हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड कुछ बात नहीं होगी बात होगी यहाँ पर ब्रेकआउट स्टॉक से रिलेटेड मल्टीपल स्टॉक्स बताऊंगा जो यहाँ पर ब्रेकआउट पे खड़े हुए हैं जहाँ पर अगर आपने पैसा लगाया और सही से यहाँ पर ब्रेकआउट को प्ले किया स्टॉप लॉस के साथ तो बेहतरीन पैसा आपको यहाँ पर बनता रहेगा तो किस तरीके से आपको ब्रेकआउट प्ले करना है वो भी बताऊंगा एज वेल एज इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में कोई बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करे ओके okay, और ये सारे के सारे स्टॉक्स मैंने आपको नीचे के लेवल पे खरीदवा रखे हैं तो मैं ब्रेकआउट मोस्टली प्ले नहीं करता हूँ मैं प्ले करता हूँ यहाँ पर नीचे के लेवल से लेके स्विंग ट्रेड और फिर वही ब्रेकआउट होते हैं तो उन्हें यहाँ पर प्ले करते रहते हैं तो आगे वीडियो की तरफ आगे जानते से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ओके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो यहाँ पर आप हमें कॉन्टेक्ट करिए बेहतरीन शेयर यहाँ पर लीजिए और डेली पैसा यहाँ पर मार्केट से कमाए एज वेल एज यहाँ पर हमारी वीडियो आती रहती है एक वीडियो यहाँ पर आई है इकतीस का मल्टी स्टॉक्स जहां पर आप देखेंगे तो एक इसकी ग्रोथ को देख के यहाँ पर कहेंगे कि हाँ इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि फौरन तौर पर जब भी हम वीडियो डालें तो आप यहाँ पर देखें और एक रिक्वेस्ट जरूर है कि यहाँ पर बहुत मेहनत से वीडियोज बनाई जाती है स्टॉक्स चुने जाते हैं स्टडी कर किए जाते हैं है, है, और उस बेस में यहाँ पर वीडियोज बनाते हैं तो यहाँ पर लाइक जरूर करें हर एक वीडियो को और कमेंट करें अगर कोई क्वेरीज है तो आइए आइए वीडियो की तरफ सबसे पहले पर देख लेते हैं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब नीचे शेयर आया था दो तीन बार यहाँ पर वीडियो बनाई है ओके लास्ट क्वार्टर में ही हमने यहाँ पर ये यह शेयर को लिया था ओके हमने यहाँ पर ऊपर के लेवल पे मतलब ये जो चल रहा है इसी के आसपास लिया फिर नीचे आया था तो बायो डिप्स किया था ओके बट यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो ये एक शेयर है मल्टी बैगर स्टॉक इसके रिजल्ट देखिएगा लास्ट टाइम के काफी बेहतरीन रिजल्ट है कल इसके रिजल्ट आने वाले हैं अगर इसके रिजल्ट बेहतरीन आते हैं तो याद रखिएगा एक रैली होती हुई दिखाई देगी क्यों क्योंकि यहाँ पर एक आज के दिन में एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दिया है और कल के दिन में अगर ये छह का लेवल निकालता है तो याद रखिएगा ये शेयर सबसे पहले यहाँ पर पूछाएगा छे सौ सिक्स सेवेंटी नाइन की यहाँ पर रेंज में और सिक्स सेवेंटी नाइन की अगर ये रेंज को तोड़ता है तो याद रखिएगा एक रैली होती हुई दिखाई देगी जो इसे यहां पर लेके जाएगी सात सौ चौबीस रुपए के आसपास और सात सौ चौबीस के बाद एक दोबारा ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देगा काफी बेहतरीन मल्टीपैग स्टॉक्स है और यहां पर एक कर्व बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो की यहाँ पर शॉर्ट टर्म में जैसे की ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं तो ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आपको एक दिन के अंदर दो दिन के अंदर पांच दिन के अंदर पांच दस परसेंट का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाए तो दस से ग्यारह परसेंट का यहाँ पर प्रॉफिट आपको सामने दिखाई

जिसका नाम है विम प्लास्ट विम प्लास्ट मतलब आप चेयर यूज करते होंगे तो मोस्टली एक चेयर में नाम लिखा रहता है सेलो। ओके यहाँ पर सेलो के नाम से चेयर चेयर आती है तो ये ये कंपनी वही प्रोडक्ट्स बनाती है सैलो के प्रोडक्ट्स बनाती है फर्नीचर बनाती है तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की तरफ ध्यान दे सकते हैं जैसे जैसे यहाँ पर घर की डिमांड आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है हर घर में एक चेयर दो चेयर तो होती है तीन चेयर चार चेयर तो याद रखिए ये पर्टिकुलर कंपनी एक ब्रांडेड चेयर बनाती हुई दिखाई देती है नीचे लेबल है, के लेवल से खरीदवाया है ओके यहाँ पर एक कर्व बना के चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई देंगी तो यहाँ पर अगर मैं बात करू आज का आज ये शेयर अच्छा खासा लगभग सात आठ परसेंट भागा था फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया तो पांच परसेंट रह गया बट अगर कल की डेट में ये जो लेवल है यहां पर मैं एग्जैक्ट लेवल बता दू पांच सौ पच्चीस सौ पच्चीस का अगर ये लेवल निकालता है तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देगा जो सबसे पहले इसे पाँच और पांच के बाद धीरे धीरे करके ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई की तरफ दिखाई देगा और यहाँ से देखिए अगर यहाँ से भी देखेंगे तो तब भी थर्टी के यहाँ पर रिटर्न बनते हुए दिखाई देगा थर्टी सिक्स के यहाँ से देखेंगे तो फोर्टी के रिटर्न आपको दिखाई देते तो विम्पलास्ट की तरफ भी यहाँ पर नजरें बना के रखिएगा इसके अलावा एक और शेयर से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जिसका नाम है जे एस डब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स ओके ये कंपनी है यहाँ पर देखिए ये छोटा सा पेनिश

मैंने इसके अगर टारगेट की वैसे बात करूं कि किस तरीके के यहाँ पर टारगेट आ रहे हैं तो इसके टारगेट यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे सेवेंटी नाइन के जो कि यहाँ से तो वन फोर्टी टू परसेंट थे बट ऑलरेडी यहाँ पर भाग लिया है तो यहाँ पर इतने टारगेट नहीं रहेंगे तो यहाँ पर बात करें फिर भी 80, 80, 86 के पर रिटर्न बनते हुए दिखाई दे रहे हैं तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है इसमें याद रखिएगा अपने हिसाब से ही यहाँ पर चुनना है और अपने हिसाब से स्टॉप लॉस वगैरह सब कुछ लगाना है तो कल रिजल्ट भी है आज भाग लिया है तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेकआउट यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है इसके अलावा हम एक और स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे जिससे मैं वीडियो बार बार बनाता हूं हर बार बनाता हूँ और फिर बताता हूँ कि ये शेयर को रखिए यहाँ पर जब नीचे आया था तब भी बताया था ऊपर जा रहा था तब भी बताया था अगेन यहाँ पर आज के दिन में एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दिया है जो इसका प्रीवियस लेवल है उसे निकला है अगर ये कल को uh, कल अपने लेवल को आठ सौ का जो आज का लेवल है, इसने अगर क्रॉस किया तो यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है साफ यहाँ पर ये शेयर आठ सौ के आसपास और फिर उसके बाद ये क्योंकि काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद लगभग एक साल के कंसोलिडेशन के बाद चीजें निकल रही है तो ये रैली यहाँ पर थाउजेंड से पहले तो रुकने वाली नहीं है और मोस्ट

ओके okay, ये गिरा नहीं है इसे गिराया गया है क्यों क्योंकि ये यह यहाँ पर एक ब्रेकआउट प्ले होने वाला है ओके okay, इसलिए यहाँ पर इस शेयर को यहाँ पर बड़े बड़े लोग कह लीजिए जो भी कहना है यहाँ पर एक साल का कंसोलिडेशन था जैसे कि मैं आप बता चुका हूँ फैब से फैब हो चुका है ऑलरेडी यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी हो चुकी है ओके okay, आज के दिन में लगभग चार परसेंट के आसपास ये शेयर को यहाँ पर गिराया गया बट ये गिराया नहीं है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये शेयर ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया था लगभग 80 के आर एस पे आया 81 के और उसके बाद थोड़ा सा आया आप अगर दूसरे चार्ट पैटर्न को ही मिलाएंगे ना तो ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा गिराते हैं यहाँ पर एक आध दो दिन की शायद कंसोलिडेशन हो फिर उसके बाद यहाँ पर ये शेयर निकलेगा और मुझे ये जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी आपको टारगेट बताए थे वही यहाँ पर टारगेट यहाँ पर होते हुए दिखाई देंगे अगर यहाँ पर हम देखते हैं फाइव मिनट्स के

काफी टाइम से यहाँ पर इस स्टॉक्स को भी मैं आपको यहाँ पर बार बार बताते आय कि इस शेयर की तरफ नजर नजरें बनाइए ये शेयर काफी बेहतरीन है जिसका नाम क्या है इकलक्स देखें यहाँ पर कंसोलिडेशन

ओके okay, इस लेवल को अगर ये निकालता ओके चार सौ चौवन के, ये ये यहां से तीन तीन के लेवल पर सबसे पहले ब्रेकआउट के तौर पर बता रहा हूँ बट यहां पर अगर टारगेट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कब विद हैंडल पैटर्न बना था ओके तो इसके बेस पे जो टारगेट आ रहे थे इसका जो ऑल टाइम हाई है वो एज well इससे भी ऊपर के टारगेट हमारे आते हुए दिखाई दे रहे थे पांच से ऊपर तो इसकी तरफ भी ध्यान दे सकते हैं इसके अलावा प्राज इंडस्ट्री जब ये शेयर नीचे चल रहा था ओके बार बार आपको वीडियो दो तीन बार वीडियो बना के बताई थी उसी टाइम मैंने भी खरीदा था और आपको बताया तीन सौ पे चल रहा था और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक अच्छी खासी रैली यहाँ पर इस शेयर में होती हुई दिखाई दी ओके okay, और आज की डेट में भी देखिए ये शेयर जो टारगेट हमने उस टाइम बताया था जब वीडियो बनाई थी तो कितने के टारगेट आ रहे थे सेवन एटी के आसपास के टारगेट आ रहे हैं फोर सेवन सिक्स के आसपास के तो यहाँ शेयर देखिए ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है थोड़ा सा अगर नीचे आता कंसोलिडेट करता है तो इस शेयर में बाइंग की हमारी राय रहेगी और यहाँ पर ये यह शेयर फिर अच्छा खासा आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर यहाँ पर प्राज इंडस्ट्री में आपको गेन मिल सकता है बट रिजल्ट आने वाले है तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस होकर भी यहाँ पर देखिएगा क्योंकि रिजल्ट आ जाए एक बार उसके बाद पता चलेगी बाकी यहाँ पर काफी लंबे

और जाती हुई दिखाई दे रही है कल भी यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ऊपर जाएगी और ये अपने ही लेवल 142 को अगर ये क्रॉस करती है तो इसमें डेढ़ तक की यहाँ पर दोबारा रैली हो सकती है तो इस शेयर की तरफ भी ध्यान दीजिए फ्लाटेक्स नीचे के सारे शेयर आपको स्विंग ट्रेड करके नीचे के लेवल को बताए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसके अलावा एफ इंडिया एफ इंडिया की अगर बात करें नीचे के लेवल पर ये भी बताया ओके मैंने प्रॉफिट प्रॉफिट का लेके ओके अभी कुछ दिन पहले ही निकाला है अभी ऊपर जाती है टारगेट आए ओके यहाँ से भी अगर बात करें पंद्रह परसेंट के लगभग यहाँ पर ऊपर दिखाई देता है बट यहाँ पर मैं यहाँ पर निकल चुका हूँ चीजें अगर नीचे आएगी थोड़ा सा क्योंकि जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है नीचे आएगी ओके और मुझे थाउजेंड के आसपास या फिर इलेवन के

बार बार वीडियो बना रहा हूँ हर बार वीडियो बना रहा हूँ देखिए एक लंबा कंसोलिडेशन हो गया और जिन भी शेयरों में लंबा कंसोलिडेशन हो गया वो ऊपर जाग रहे हैं और जागने के बाद वो यहाँ पर भागते हुए नजर आ रहे हैं तो इस शेयर की तरफ भी ध्यान दीजिए यहाँ पर आज एक ब्रेकआउट लगभग प्ले होता हुआ दिखाई दिया है और ये अपने ही लेवल नाइन टेन के अगर लेवल को निकालता है तो एक ही लेवल यहाँ पर अः नाइन नाइनटी के लेवल पर यह जाता हुआ दिखाई देगा और 990 का लेवल अगर ये निकालता है तो ये फिर अपने ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम हाई के बाद चीजें जाती हुई दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ तो इस शेयर की तरफ भी नजर बनाइए रिजल्ट भी आने वाले हैं और रिजल्ट इसके हमेशा ही अच्छे आए हैं कंसिस्टेंट बेसिस पे ईयरली क्वार्टरली बेस पे आया तो इसकी तरफ भी ध्यान जो लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और एक और, और शेयर जिसका नाम है आरती इंडस्ट्री आरती इंडस्ट्री आपको पता ही है केमिकल्स कंपनी है काफी बेहतरीन शेयर है यहाँ पर और ये यहाँ पर कंसोर्ट देखिए फ्लैग यहाँ पर पोल बना है पोल बना के फ्लैग बना बना रहा है और पोल एंड फ्लैग का ये कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है और इसके बाद जब चीजें निकलेगी तो यहाँ पर अगर ये शेयर याद रखिएगा ग्यारह को क्रॉस करता है तो इसके बाद एक अच्छी खासी रैली होगी जो इसे तेरह सौ चौदह रुपए तक लेती हुई जा सकती है तो इस शेयर की तरफ भी नजर बनाइए पूरा एक कप बनाता हुआ दिखाई दे रहा है ओके राउंडिंग बॉटम बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और चीजें यहाँ पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है तीन चार कैंडल जो होते आपको दिखाई दे रही है और चीजें ऊपर जाती हुई मुझे दिखाई देती है एटलीस्ट नीचे के लेवल पे हमने ये खरीद रखी है अब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा तो बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन